तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल की अपकमिंग मूवीज के बारे में, जिनकी आने वाली फिल्में 2024 से 2025 तक रिलीज कर दी जाएंगे। अगर आप अर्जुन रामपाल के फैन हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तेरी चैलेंजर रेस में मैं तेरे को चैलेंज करता है, हिम्मत तो आ जा। रेस का सिर्फ एक रूल होगा, जो जीतेगा वो जीतेगा। फर्स्ट नंबर पर क्रैक एक एक्शन स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म होने वाली है और इस फिल्म को राइटर डायरेक्टर है आदित्य दत्त, जिन्होंने कमांडो 3 को भी डायरेक्ट किया था। फिल्म में विजय जायसवाल, नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल और एमे जैक्सन लीड रोल निभाएंगे। वहीं रुक्मणी मेहता और पूजा सावंत एक सॉन्ग में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगे। और यह फिल्म 23 फरवरी 2024 को थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाएगा। ये इंडियन सिनेमा की फर्स्ट एक्सट्रीम एक्शन स्पोर्ट्स फिल्म है। फिल्म में हमें मुंबई में रहने वाले एक लड़के की कहानी दिखाई जाएगी, जो वर्ल्ड के सबसे डेंजरस अंडरग्राउंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, जहाँ पे पार्टिसिपेंट के सर्वाइवल उनके जीत पे डिपेंड करता है, जीतेगा तो जिएगा। फिल्म में विजय जायसवाल एक स्लम लड़के का रोल प्ले कर रहे हैं, जो अपने भाई का बदला लेने के लिए इस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करता है। नोरा फतेही एक इन्फ्लुएंसर का रोल प्ले कर रही है, जो विद्युत के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगी। एमे जैक्सन एक कॉप का रोल प्ले कर रही है और अर्जुन रामपाल फिल्म में विलन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। विद्युत जायसवाल और अर्जुन रामपाल के बीच एक जबरदस्त फेस ऑफ भी होने वाला है। इस फिल्म का बीजीएम स्कोर किया है विक्रम मोन्ट्रोज ने। सेकेंड नंबर पर निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस एक मिस्ट्री हॉरर फिल्म होने वाली है और इस फिल्म की डायरेक्टर है खुश सिन्हा, जिनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है। फिल्म में अर्जुन रामपाल, सोनाक्षी सिन्हा और परेश रावल लीड रोल में जाएंगे। इस फिल्म के राइटर है पवन कृपलानी और अंकुर टकरानी। इस फिल्म को निकिता पाई फिल्म्स के बनतले बनाया गया है और ये फिल्म हमें 2024 में देखने को मिल जाएगा। थर्ड नंबर पर है पेंट हाउस, एक मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है और इस सीरीज के डायरेक्टर हैं अब्बास मस्तान। इस सीरीज में बॉबी देओल, अर्जुन रामपाल, शर्मन जोशी, मोनी रॉय, टिस्का चोपड़ा, वलुसा डिसूजा, मंदिरिक फर्नेस, लरिसा बोनसी और डेनियल स्मिथ इम्पोर्टेंट रोल्स में नजर आएंगे और ये सीरीज 2024 में नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर किया जाएगा। फोर्थ नंबर पर है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, एक पीरियड वॉर रोमांटिक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर है रमेश थेटे। फिल्म में अर्जुन रामपाल, दिगंगा सूर्यवंशी, सनी लियोन और अभिमन्यु सिंह लीड रोल्स नजर आएंगे। वही कृष्णा अभिषेक, गोविंद नामदेव, अशोक समत, ऋषि शर्मा, मिलिंद गुनाजी, यतिन कारियकर और नटालिया कोजेनोवा सपोर्टिंग रोल्स नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन रामपाल महार वॉरियर सिद्धनाथ इनामदार का रोल प्ले करेंगे, सनी लियोन एस कांता का रोल प्ले कर रही है, अभिमन्यु सिंह एच बाजीराव 2 का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वही फिल्म में दिगंगना सूर्यवंशी अर्जुन रामपाल के अपोजिट नजर आएंगी और ये फिल्म 2024 में रिलीज कर दिया जाएगा थिएटर्स में। फिफ्थ नंबर पर थ्री मंकीज एक थ्रिलर फिल्म होने वाली है और इस फिल्म का डायरेक्टर है अब्बास मस्तान। फिल्म में अर्जुन रामपाल, प्रिया प्रकाश वारियर, मुस्तफा और विशाल जेठवा लीड रोल में नजर आएंगे। वही तुनिशा शर्मा, अबरार चहूर, राजेश खट्टर, डेंजल स्मिथ, अर्पित रंगा, आनंद महादेव और ज्योति गोवा सपोर्टिंग रोल्स में नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार ये फिल्म मनी हिस्ट से इंस्पायर्ड होगी और फिल्म में अर्जुन रामपाल एक प्रोफेसर का रोल प्ले करेंगे। वही फिल्म में प्रिया प्रकाश वारियर अर्जुन रामपाल के अपोजिट नजर आएंगी और ये फिल्म 2024 में रिलीज किया जा सकता है। सो गाइस, ये थे बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल की अपकमिंग मूवीज की कंप्लीट लिस्ट। का अनुरोध चलता रहा कि आप कौन से फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।